हेलो दोस्तों, फोटोग्राफी की नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आज करूंगा LG के लेटेस्ट 2020 के बजट 32 इंचेस टीवी की, जो अवेलेबल है 14,490 रुपीस के प्राइस पॉइंट के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और एक फीचर ओवरव्यू। लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है ये 32 इंचेस का टीवी, एक स्टैंड का पेयर और उसी के साथ साथ दो स्क्रू, रिमोट कंट्रोल जिसके साथ में आपको मिल जाएंगे, दो AAA बैटरीज, यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। अब चलिए हम सेटअप करते हैं इसका स्टैंड। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दो स्टैंड मिल जाते हैं और दो स्क्रू मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है सेटअप। और इनफैक्ट अगर आप चाहते हो वॉल माउंट, तो आपको ब्रांड या फिर अमेजोन की तरफ से इसका सेटअप भी आपके घर के ऊपर वो लोग आके फ्री में कर देंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रैकेट भी आपको मिल जाता है, हालांकि वो सेपरेट आपको खरीदना पड़ेगा। हालांकि आपको ये सर्विस फ्री में रहेगी, मतलब उनकी तरफ से कोई बंदा आएगा आपके घर और वो आपके घर में आके वॉल माउंट कर देगा। हालांकि मुझे चाहिए था यहाँ पर टेबल माउंट, तो मैंने वो सर्विस कैंसिल कर दी। आगे अगर हम बात करते हैं टीवी के पोर्ट्स की, तो यहाँ पर टीवी के अंदर आपको मिल जाते हैं दो HDMI 1.4 के पोर्ट, जिसमें से एक पोर्ट सपोर्ट करता है ARC ऑडियो के लिए, एक USB पोर्ट है, एक इथरनेट पोर्ट है इनकेस आप डायरेक्टली अपने वाईफाई राउटर से कनेक्शन लगाना चाहते हो, एंटीना है, ऑप्टिकल ऑडियो आउट और AV इन है। इस टीवी के अंदर आपको ब्लूटूथ का कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप कोई गेमिंग कंट्रोलर या फिर वायरलेस ईयरफोन या फिर साउंड बार कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए, समय आ गया है यहाँ पर फिल्म रिमूवल का, मतलब जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर रिमूवल का और एक क्लोजर लुक का। दोस्तों, जैसे हमने टीवी सेटअप करना शुरू किया, यहाँ पर सेटअप के दौरान कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि ओवरऑल सेटअप को लग जाता है करीब 5 से 10 मिनट का टाइम, जिसके बाद आपको टीवी के कंप्लीट ओवरव्यू के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ। अगर हम बात करते हैं टीवी के फीचर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर ये टीवी सपोर्ट करता है 720p का रेजोल्यूशन, मतलब आपको HD रेजोल्यूशन मिल जाएगा। स्पीकर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 10W के डाउन फायरिंग ड्यूअल चैनल स्पीकर्स मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको मिलता है WebOS, और हालांकि मेजॉरिटी जो आपको पॉपुलर OTT एप्लीकेशंस है जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Z5, ये सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। हालांकि क्योंकि ये एंड्रॉइड नहीं है, यहां पर कोई APKs आप लोड नहीं कर पाओगे और यहां पर आपको बिल्ट इन Chromecast भी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रिमोट कंट्रोल की, तो ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल रिमोट कंट्रोल है। हालांकि इसके ऊपर काफी सारे बटन्स हैं, लेकिन कोई स्मार्ट फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। रिमोट कंट्रोल आता है यहां पर डेडिकेटेड बटन्स के साथ, जो आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स के लिए और प्राइम वीडियो के लिए। अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो ये टीवी सपोर्ट करता है DTS वर्चुअल X, मतलब ये अगेन डिफॉल्ट साउंड मोड में ही काम करता है। वीडियो की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्टिव HDR और HDMI का जो वर्जन है वो है 1.4, जिसके साथ साथ टीवी का रिफ्रेश रेट है पैनल का 50Hz। वारंटी आपको मिल जाती है 1 साल की और ब्लूटूथ का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, आप इस टीवी के अंदर स्मार्ट IoT डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम डैशबोर्ड स्क्रीन के अंदर। हालांकि ये फिलहाल के लिए सपोर्ट करता है LG ThinQ और OCF स्टैंडर्ड के डिवाइसेस को ही। अगर हम बात करते हैं टीवी की डिजाइन की, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ऑफिशियल लिस्टिंग से, जहां से मैंने इस टीवी को खरीदा था, और आई एम श्योर ये कंप्लीटली, मतलब इतना क्लोज नहीं लिखता है जितना ऑफिशियल फोटो में था, और काफ़ी बड़ा बिजल है। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो प्लास्टिक के जो लेग्स है वो भी काफ़ी, मतलब सस्ते दिखते हैं। हालांकि इस प्राइस के लिए हम कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई विश कि थोड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी और बढ़िया होती। अगर हम बात करते हैं टीवी के सेटिंग्स की, तो यहाँ पर ये रहे सारे ऑप्शन जो आपको टीवी के सेटिंग्स के अंदर मिल जाते हैं, जिसका एक कम्प्लीट ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अगर हम बात करते हैं पिक्चर मोड्स की, तो यहाँ पर इस टीवी के अंदर आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि विविड, स्टैंडर्ड, APS, सिनेमा, क्रिकेट, गेम, HDR इफेक्ट, ISF एक्सपर्ट ब्राइट और ISF एक्सपर्ट डार्क रूम। अगेन बजट टीवी के लिए काफ़ी ही ज़्यादा पिक्चर मोड्स आपको मिल जाते हैं।
वैसे ही अगर हम बात करते हैं साउंड मोड्स की, बेसिकली मतलब साउंड के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर साउंड के अलग अलग मोड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस, क्रिकेट, म्यूजिक और गेम। और क्योंकि टीवी सपोर्ट करता है DTS वर्चुअल एक्स, ये अगेन सिर्फ काम करेगा स्टैंडर्ड मोड में। अगेन ये थे कंप्लीट यू नो टीवी के सेटिंग्स, पिक्चर क्वालिटी और टीवी के सेटिंग्स के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू। अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल थॉट्स के बारे में। दोस्तों ओवरऑल ये टीवी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कोई बुरी नहीं है, साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अगेन स्पीकर सेटअप आपको सिर्फ 10 वॉट का मिलता है, और अगर आप इस टीवी को यूज़ कर रहे हो अपने बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में या फिर कोई छोटे से गेस्ट रूम में तो ये टीवी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसको प्लान कर रहे हो यूज़ करने के लिए हॉल में, तब थोड़ा सा आपको साउंड में इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, कभी कभी लैग भी करता है, बट देन WebOS फिर भी बेटर है एंड्रॉयड टीवी के कंपेयर में। और जो रिमोट कंट्रोल है इसके ऊपर काफ़ी सारे आपको बटन्स मिल जाते हैं, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो रिमोट कंट्रोल इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगेन ये इसीलिए भी क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है, और ये है एक IR रिमोट जो जनरली थोड़े बहुत स्लो होते हैं। अगेन ओवरऑल अगर आप एक बहुत ही लिमिटेड बजट में हो देन ये काफ़ी अच्छा टीवी है कंसिडर करने के लिए। अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में, जहां पर आप जाके इसको खरीद सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है इस टीवी को लेकर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा इसी ब्रांड की तरफ से इनका ही 43 इंच का मॉडल। दर्शक दोस्तों मैं हूं अमित, और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।